हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने ही चैनल खिजा ट्यूशन दे विच। एरर बेस्ड आर्टिकल्स, एरर बेस्ड ऑन आर्टिकल्स पार्ट टू लैक्चर दे विच थोड़ा सारे का स्वागत है जी। एक लैक्चर थोड़ा कल हो चुके है जिंदे विच आपां एक तो दस तक जेडे एरर डिटेक्शन किए सी, अज आपां 11 तो 20 तक इस लैक्चर दे विच एरर डिटेक्शन करांगे। जेडे स्टूडेंट ऑफलाइन देख रहे ने वीडियो नू पॉज करके, तुसी आंसर पहला आप सोचना है, उस तो बाद तुसी आंसर नू देखना है कि साडा राइट होया जा रोंग होया। तो जेडे स्टूडेंट देख रहे हैं जी, सारे रूल्स जो मैं थानू आर्टिकल्स चैप्टर्स दे विच करवाए है उस सेम रूल्स के उपर आपां एरर डिटेक्शन करांगे। एरर्स बेस्ड ऑन द टॉपिक आर्टिकल्स पार्ट टू, पार्ट वन भी इहदा आ चुके है, देख लो जी। पार्ट टू अज थोड़े सामने है। पिछले लैक्चर दे विच भी मैं थानू कहा सी एग्जामिनर थोड़े तो स्पैलिंग वाले एरर पुछ सकदा, जां तां स्पैलिंग एरर थोड़े तो एग्जाम दे विच आ सकदे है, जां थोड़े एग्जाम दे विच की आ सकदा है सेंटेंस बेस एरर आ सकदे है, जो आपां इस लैक्चर दे विच डिस्कस करने है। सेंटेंस बेस्ड एरर जिवें आपां पिछले लैक्चर दे विच कीते सी, क्लीयर है जी। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैक्चर है अपना, अपने टैलीग्राम ग्रुप के दस्यो कि पार्ट टू भी आ चुके है एरर बेस्ड ऑन आर्टिकल्स के उपर। तो स्टार्ट करते हैं जी, आप क्वेश्चन थोड़े सामने आने, आंसर तुसी दिंदे जाना है। 30 सैकेंड मैं थानू देवांगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अज का सैक्शन है, सैशन है, बिकोज क्योंकि थानू पता ही है कि इहदे विच्चों एग्जामिनर पुछूगा, चांसिस बहुत हैगे है कि एरर डिटेक्शन भावें स्पैलिंग बेस होवे भावें सेंटेंस बेस होवे थोड़े तो पूछे जाएंगे। तो लैट्स स्टार्ट द सैशन ऑफ इंग्लिश, एरर डिटेक्शन बेस्ड ऑन आर्टिकल्स पार्ट टू, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। तो फर्स्ट क्वेश्चन थोड़े सामने है की है, इन अ आवर ऑफ टाइम आई विल बी बैक बट नाउ आई हैव टू गो। तो की आऊगा इहदा आंसर, 11th क्वेश्चन है, पहले 10 क्वेश्चन आपां कर चुके हैं पिछले लैक्चर दे विच, 11वां क्वेश्चन थोड़े सामने है जी। देखो, इन अ आवर ऑफ टाइम आई विल बी बैक बट नाउ आई हैव टू गो। तो आंसर की आऊगा इहदा, सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके दसो कि जो थोड़े सामने क्वेश्चन है इहदा आंसर की आऊगा। दसो रूल थानू मैं करवाया होया, जल्दी नाल दसो जी इहदे विच कित्थे गलती है। इन अ आवर ऑफ टाइम आई विल बी बैक बट नाउ आई हैव टू गो, दसो कित्थे गलती है। सारे स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं लैक्चर्स नू, तां जल्दी नाल कमेंट करके दसो जी की आंसर आएगा इस सेंटेंस दे विच, गलती की है, थानू कित्थे इस सेंटेंस दे विच गलती लग रही है, जल्दी नाल सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके दसो। तो देखो, जदों भी मैं थानू रूल करवाए सी ना, जिन्हां ने रूल नहीं ना जिन्हां नू पता आर्टिकल्स दे, तां अपने लैक्चर पए है जी सारे चैनल ते देख सकदे हो तुसी। देखो गलती कित्थे है, आपां कीता सी ना आवर, इन आवर, इन अ आवर्स टाइम, तो आवर तो पहला की लगता हुंदा है हमेशा, ए नहीं लगता हुंदा, इत्थे की आएगा एन, छोटी जी गलती आएगी एग्जाम च भी, तो इत्थे की आएगा एन आएगा। सही सेंटेंस की बनेगा, इन एन आवर्स टाइम आई विल बी बैक बट नाउ आई हैव टू गो। तो इत्थे ए नहीं आएगा, इत्थे की आएगा एन आएगा। जेडे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन परफेक्ट करैक्ट हो चुके है, बहुत वधिया गल है जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं आपां, लैट्स मूव टू ऑन द नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सैकेंड मतलब 12 नंबर क्वेश्चन थोड़े सामने है। की लिखा है, टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड अ वायोलेंस। तो इत्थे गलती की है, दसो टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशंस किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड द वायोलेंस। दसो जिहड़ियां टैररिस्ट ऑर्गनाइजेशन है वह जिहड़े इनोसेंट पीपल है उन्होंने किल कर दिंदियां, की करन दे लई वायोलेंस नू स्प्रेड करन दे लई। तां की आंसर आएगा, की गलती है इहदे विच सेंटेंस दे विच, तां जल्दी नाल दसो की आएगा। दसो टैररिस्ट ऑर्गनाइजेशंस किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड वायोलेंस, की आंसर है इस क्वेश्चन का।
जल्दी नाल सारे स्टूडेंट्स दसो की लगता थानू की आंसर आएगा इनका। टैररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड वायोलेंस। देखो जिथे इत गलती की है, देखो इस सेंटेंस दे गलती की है, वायोलेंस वायोलेंस की है, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन, की है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन तो पहला आर्टिकल है जोड़ा नहीं आता, तो सेंटेंस की बनूगा इतने करैक्ट, टैररिस्ट ऑर्गनाइजेशन किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड वायोलेंस, ये इतने नहीं आऊगा, ये गलती है। तो सारे रूल लिखते जाओ, अनकाउंटेबल नाउन तो पहला आर्टिकल नहीं आता। तो लैट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। तो नैक्सट क्वेश्चन थोड़े सामने है जी, तो ये समझ लग गए थानू फस्ट टू क्वेश्चन, कमेंट कर दो जी। तो जेडे भी ऑफलाइन देख रहे स्टूडेंट किमें लगता है लैक्चर जरूर दस्यो मैं। नैक्सट क्वेश्चन, होल वर्ल्ड इज टूडे फेसिंग द थ्रीट ऑफ एक्सटेंशन ड्यू टू द इनवेंशन ऑफ साइंस। दसो इस सेंटेंस दे विच कित्थे एरर है, की गलती थानू लगती है। होल वर्ल्ड इज टूडे फेसिंग द थ्रीट ऑफ एक्सटेंशन ड्यू टू द इनवेंशन ऑफ साइंस, कित्थे गलती है इस सेंटेंस दे विच। सारे स्टूडेंट्स ने दसना है की लगता है जी थानू कित्थे गलती है। थोड़े को 30 सैकेंड है, 30 सैकेंड दे विच मैनू जवाब दिओ। थोड़े को 30 सैकेंड है जी, कित्थे गलती है दसो, 30 सैकेंड है थोड़े को। सारे स्टूडेंट्स ने दसना है 30 सैकेंड है थोड़े को, कित्थे मिसटेक है इस सेंटेंस दे विच दसो। होल वर्ल्ड इज टूडे फेसिंग द थ्रीट ऑफ एक्सटेंशन ड्यू टू द इनवेंशन ऑफ साइंस। देखो हूँ तक कई स्टूडेंट्स ने लभ ली होनी है गलती। देखो जदों भी, देखो इस सेंटेंस दे विच गलती कित्थे है, जदों भी थोड़े को होल वर्ड आ गया ना, होल तो होल तो अगे की लगता हूँ द, की लगता हूँ द, तो सेंटेंस की बनूगा द होल वर्ड, पूरे वर्ल्ड की गल कर रहे हैं होल वर्ड की, तो ये अगे की लगेगा द। तो गलती कितने है, इतने गलती है, होल दे अगे याद रखियो की लगना है द लगना है, तो इतने की आएगा द होल वर्ड, तो इतने की लगना है द होल वर्ल्ड, बाकी सारा सेंटेंस सेम चलेगा। द होल वर्ल्ड इज टूडे फेसिंग द थ्रीट ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ साइंस, तक ही आएगा द होल वर्ल्ड। तो नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी, आप इतने द आएगा सारे लिख लो। नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़े सामने है, मैं फिर दस देव, पिछले लैक्चर के हो चुके हैं 1 से 10। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़े सामने है, 14th नंबर क्वेश्चन, लिखे द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइज इन द साइंस। द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स टू ह्यूमन बीइंग्स लाइज इन द साइंस। दसो इस सेंटेंस दे विच गलती कित्थे है, बहुत ही वधिया सेंटेंस है, इस सेंटेंस दे विच गलती कित्थे है सारे स्टूडेंट्स ने दसना है, कित्थे गलती है इस सेंटेंस दे विच। 30 सैकेंड है जी थोड़े को, किन्ने 30 सैकेंड थानू मैं दे रहा, तो मैं दसो 30 सैकेंड दे विच इस क्वेश्चन नू सोल्व करो कि इहदे विच गलती कित्थे है दसो। सेम इहो जिहे क्वेश्चन थानू एग्जाम दे विच देखण नू मिलणगे, बहुत ही वधिया एग्जामीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स टू ह्यूमन बीइंग्स लाइज इन द साइंस, गलती दसो। तो मैं उस दिन भी थानू दस्या सी, लास्ट लैक्चर दे विच भी दस्या सी, लास्ट लैक्चर दे विच भी थानू मैं दस्या सी कि साइंस की है, एक सब्जैक्ट है, तो कदे भी किसी भी सब्जैक्ट तो अगे द है जा फिर नहीं आता हों आर्टिकल, तो इतने द नहीं आऊगा, क्योंकि मैं क्या सी ना द पंजाबी द हिंदी द उर्दू द साइंस द इंग्लिश कुछ भी नहीं आऊगा, ठीक है, सब्जैक्ट तो पहला कदे भी आर्टिकल नहीं आता। तो आंसर की है, द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाइज इन द साइंस की थां ते की आऊगा, द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइज इन साइंस, तो इतने द नहीं आऊगा,
याद रखियो तो इतने द नहीं आऊगा क्योंकि साइंस एक सब्जैक्ट है, सब्जैक्ट तो पहला आर्टिकल है जेड़ा नहीं आता होंगे, इतने गलती है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 वाल। तो नैक्सट क्वेश्चन नंबर 15 थोड़े सामने है, देखो जी इनका आंसर की आएगा। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट लैसन विच वी विल हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली। जे स्टूडेंट्स ने ध्यान नाल सुनिया होना ना, जो मैं पहली बार बोलन लग्या सी तो मैं आंसर भी बोल गया, तो दसो इहदा आंसर की आएगा। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट लैसन विच वी विल हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली। इस क्वेश्चन का आंसर की है, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट लैसन विच वी हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली। दसो की आएगा, की आएगा। देखो मैं थोड़ा कहा ना, मोस्ट की है सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट की है सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट की है सुपरलेटिव डिग्री है, तो इस तो पहला की आएगा, द आएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैसन विच वी विल हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली। तो देखो छोटी जी मिस्टेक आएगी एग्जाम च भी, तो ध्यान ना समझ लो। मैं वैसे जो तो बोलने लगे उदों ही मैं आंसर बोल गया सी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैसन विच वी हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, देखो की आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की लिखा है, द गंगाज इज फॉर नॉर्थ इंडिया, वट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। की आएगा इतने, इतने मिस्टेक की है इस क्वेश्चन के, एरर की है। द गंगाज इज फॉर नॉर्थ इंडिया, वट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। दसो की आएगा जल्दी नाल, इस सेंटेंस दे विच 30 सेकंड है थोड़े को, 30 सेकंड है, दसो इस 30 सेकंड दे विच इंदा आंसर दियो। की मिस्टेक है इस क्वेश्चन दे विच, एरर डिटेक्शन बेस्ड ऑन आर्टिकल्स पार्ट टू चल रहे हैं, तो दसो की आएगा। द गंगाज इज फॉर नॉर्थ इंडिया, बट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़े सामने है, दसो की आएगा जी इंदा आंसर। देखो गंगा, गंगाज दे अगे की लग्या होया, द लग्या, गंगा एक नदी है, नदी दे अगे दा लगता है, तो कृष्णा भी तो एक नदी है ना, तो कृष्णा दे अगे भी की आएगा, द। तो आंसर कित्थे है इत्थे, रोंग की सी कृष्णा, तो कृष्णा दे अगे की लगेगा जी, दा लगेगा। करैक्ट सेंटेंस की बनेगा, द गंगा इज फॉर नॉर्थ इंडिया बट द कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया, तो कृष्णा दे अगे की लगेगा, दा लगेगा। जिन्ना भी स्टूडेंट्स का परफेक्ट आंसर है जी, बहुत वधिया गल है, बहुत वधिया गल है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 17 थोड़े सामने है, देखो की लिखे, आई लाइक टू ट्रैवल बाय द एयर एज आई एम वेरी बिजी परसन। आई लाइक टू ट्रैवल बाय द एयर एज आई एम अ वेरी बिजी परसन। तो दसो इत्थे आंसर करैक्ट की आएगा जल्दी नाल सारे स्टूडेंट, दसो की आएगा, इत्थे गलती है इस सेंटेंस दे विच, 30 सैकेंड है थोड़े को, 30 सैकेंड दे विच दसो मिस्टेक की, आई लाइक टू ट्रैवल बाय द एयर एज आई एम अ वेरी बिजी परसन। ये भी हो सकता है कि नो एरर होवे, तो नो एरर भी तुसी दस सकते हो कि सर कोई गलती नहीं है, नो एरर। दसो गलती कित्थे है, आई लाइक टू ट्रैवल बाय द एयर एज आई एम अ वेरी बिजी परसन। दसो याद रखियो जी हमेशा, थोनू मैं दस दिना कित्थे गलती है। देखो I like to travel by air as I am a very busy person. By air हुंदा करैक्ट, by air की हुंदा करैक्ट हुंदा, by the air जेड़ा रोंग हुंदा, by the air है जेड़ा ओहो रोंग हुंदा। इस चीज़ नू याद रखियो, by air आएगा तो by air होएगा, by the air गलत है, तो फिर इतने करैक्शन की है, इतने द नहीं आएगा, तो इतने जेड़ा द ओहो नहीं आएगा, याद रखियो। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 थोड़े सामने है जी, क्वेश्चन नंबर 18 दसो की आएगा। द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बिकॉज ही हैड मिस एप्रोप्रिएटेड द फंड। द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बिकॉज ही हैड मिस एप्रोप्रिएटेड द फंड। कितने गलती है इस सेंटेंस दे विच जल्दी नाल दसो जी, कितने गलती है दसो, इतने गलती की है। द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी
वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बिकॉज ही हैड मिस एप्रोप्रिएटेड द फंड। गलती की है, जल्दी नाल सारे स्टूडेंट्स की लगता थानू की गलती है जी इस सेंटेंस दे विच। द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बिकॉज ही हैड मिस एप्रोप्रिएटेड द फंड। देखो आपां नूं पता लग रहा ना, द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। हिज तो आपां नूं की पता लग रहा कि एक बंदे की गल हो रही है, बिकॉज ही तो पता लग रहा कि एक बंदे की गल हो रही है। तो हुण इत्थे देखो द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी, मैं थोनों कहा सी जदों दोवां दे सामने आर्टिकल आ जांदा इहदा मतलब तो दो बंदियां दी गल है, तो आपां नूं एक जिहड़ा दूजे नंबर वाला दा ओह हटाउणा पऊगा, क्योंकि हिज ते ही तो आपां नूं की सबूत मिल रहा है, पता लग रहा है, हिंट मिल रहा है कि इत्थे एक बंदे की गल हो रही है। तो हुण जिहड़ा दूजे नंबर वाला दा ट्रस्टी ये आपां नूं की होगा इत्थे कट्टना पऊगा। देखो किवें, देखो हुण जिहड़ा आ दा है ना ये कट्टना पऊगा, जदों ये दा कट देंगे तो की बन जूगा सेंटेंस की जिहड़ी फॉर्मेशन है वह पूरी तरीके नाल जिहड़ी उहदी सेंस है वह चेंज हो जूगी। द चेयरमैन एंड ट्रस्टी, हुण एक बंदे की गल होगी ना, द चेयरमैन एंड ट्रस्टी, जे उत्थे भी आपां दा लाउने आ ना फिर दो बंदियां दी गल है, द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी, ठीक है ना। तो उस तरह होने की बन गया द चेयरमैन एंड ट्रस्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बिकॉज ही हैड मिसएप्रोप्रिएटेड द फंड। तो हुण इत्थे द आपां कट देंगे क्योंकि आपां एक बंदे की गल कर रहे हैं, वो आपां नूं कित्थों पता लगता, हिज तो पता लग रहा है तो ही तो पता लग रहा है, ठीक है। तो हुण इत्थे की आएगा, द कटिया जाएगा की बन गया द चेयरमैन एंड ट्रस्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बिकॉज ही हैड मिसएप्रोप्रिएटेड द फंड। तो क्लीयर है जी सारे, तो नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 वाल सैकेंड लास्ट क्वेश्चन है जी अपना, जल्दी नाल दसो इहदा आंसर की है। शी फाउंड हर सेल्फ इन अ ट्रबल वैन शी सो द स्टॉलकर फॉलोइंग हर परसिस्टेंटली। स्टॉलकर का मतलब होंगे, लिख लो, स्टोरकल का मतलब होंगे शिकारी, शिकार करने वाला। स्टॉलकर का मतलब की होंगे शिकारी। शी फाउंड हर सेल्फ इन अ ट्रबल वैन, जदों शी सो द स्टॉलकर फॉलोइंग हर परसिस्टेंटली। तो दसो इतने गलती की है, वेरी वेरी ईजी गलती है, इन्हें वेरी वेरी मोस्ट ईजी एरर इस क्वेश्चन के। शी फाउंड हर सैल्फ इन अ ट्रबल वैन शी सो द स्टॉलकर फॉलोइंग हर परसिस्टेंटली। गलती की है, जल्दी नाल 30 सैकेंड है थोड़े को, दसो गलती आ लिख लियो। वकैब द वर्ड है स्टॉलकर, जिहदा मतलब हुंदा शिकारी। दसो की आएगा, दसो ते गलती की है। देखो शी फाउंड हर सेल्फ इन अ ट्रबल वैन शी सॉ द स्टॉलकर फॉलोइंग हर परसिस्टेंटली। देखो जिहड़ा ट्रबल है ना, दिस इज़ अ अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है ना, हुणे दस के हटिया ना मैं थोनू, दिस इज अ, चल नहीं रहा माउस, दो मिनट, दिस इज अ अनकाउंटेबल नाउन। एक ही है अनकाउंटेबल नाउन, ट्रबल तो इदू पहला आर्टिकल नहीं आएगा, ए नहीं आएगा इत्थे। तो फिर सेंटेंस की बना, शी फाउंड हर सैल्फ इन ट्रबल वैन शी सॉ द स्टॉलकर फॉलोइंग हर परसिस्टेंटली, ठीक है जी। तो फिर इतने की आ गया, ए नहीं आएगा क्योंकि ट्रबल की है आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन है, तो इदू पहला ए नहीं आएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 20 वाल, इतने की आएगा। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द टाउन, वेरी ईजी। दसो शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द टाउन, इतने की गलती है, जल्दी ना सारे स्टूडेंट दसो जी इतने गलती की है। तो सारे स्टूडेंट दसो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, गलती की है, गलती हो हैगी भी है कि नहीं हैगी, जो नहीं हैगी तो नो एरर लिख दो, गलती की है। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द टाउन, दसो की आएगा। थोड़े को 30 सैकेंड है जी, वैसे 30 सैकेंड इस क्वेश्चन लोड़ नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आप कर ले जी एरर डिटेक्शन के, 10 पिछले लैक्चर 10 हो। तो लाइक शेयर जरूर कर दियो जी अगर पसंद आ रहा हो लैक्चर, एक एक कमेंट जरूर कर दियो। तो इस क्वेश्चन का आंसर की है जी, इस क्वेश्चन का आंसर है नो एरर, इस क्वेश्चन का आंसर की है नो एरर, इन्दे विच कोई भी गलती नहीं है, एक करैक्ट है, बिल्कुल करैक्ट है ये वाला सेंटेंस। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, बिल्कुल करैक्ट ये वाला सेंटेंस है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कमेंट जरूर कर दियो किवें लग्या थोनू अज्ज का लैक्चर,
बहुत बहुत धन्यवाद जी, मिलांगे नैक्सट लैक्चर के, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।